200 करोड़ में भी फ्लॉप है टाइगर जिंदा है, क्योंकि इसका बजट जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। टाइगर जिंदा है का ट्रेलर तो सबने देखा, सलमान खान कटरीना कैफ के धमाकेदार एक्शन सीन्स और शानदार लोकेशन की खूब तारीफ हुई, लेकिन बता दें इन सीन्स की वजह से ही फिल्म काफी महंगी बन चुकी है। रिपोर्टर्स की माने तो इस फिल्म को यशराज फिल्म्स की सबसे महंगी फिल्म बताया जा रहा है। जी हाँ, फिल्म का बजट 140 करोड़ है, जो कि पब्लिसिटी और प्रचार और सलमान की फीस जोड़कर 200 करोड़ तक पहुंच जाएगा। कोई शक नहीं है कि फिल्म को हिट होने के लिए 250 करोड़ की कमाई करनी होगी। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म को ऑस्ट्रिया, मुंबई और अबू धाबी में शूट किया गया है। खबरों की माने तो यशराज फिल्म्स ने टाइगर को बड़ी फिल्म बनाने में कसर नहीं छोड़ी है। फिल्म के एक्शन सीन से लेकर सब कुछ पर खुलकर खर्च किया गया है। ऐसा नहीं है कि टाइगर जिंदा है ही एक बड़े बजट की फिल्म बन रही है। कुछ ही वक्त में आने वाली फिल्म पद्मावती का बजट 180 करोड़ माना जा रहा है। वहीं रजनीकांत की 2.0 का बजट तो 450 करोड़ है।